मैंने प्रयागराज का नाम बदला, लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया। उस लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया। यूपी में शहरों के नाम बदलने से क्या लोगों की जिंदगी बदल जाएगी? 4.5 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी तो उन्होंने शहरों के नाम बदलने की जो शुरुआत की थी वो अभी थमी नहीं है। नाम बदलने के पीछे अपनी धार्मिक संस्कृति और विरासत को संजोने की दलील दी गई थी। अब विधानसभा में चुनाव से पहले सूबे के 2 शहरों के नाम बदलने की फिर से मांग तेज हो गई है। उम्मीद है कि सरकार इसे पूरा भी करेगी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठ के खड़ा हुआ है कि किसी शहर का नाम बदल लेने से क्या वहां के लोगों की जिंदगी में बदलाव आ जाता है और उनकी तकलीफें कैसे कम हो जाती हैं? तो आखिर इससे आम जनता को हासिल तो कुछ भी नहीं होता। गुलाब के फूल का नाम अगर कुछ और रख दिया जाए तो क्या गुलाब सुगंध देना छोड़ देगा? इसलिए ऐसी सारी कवायदों की सियासी शुगवे के लिहाज से देखा जा रहा है। क्योंकि योगी जी की छवि एक कट्टर हिंदू की है, ऐसे में नाम बदलने के लिए मशहूर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां मियां बाजार का नाम माया बाजार कर दिया, उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार कर दिया, तो वहीं अब अली नगर का नाम आर्य नगर और हुमायूं नगर का नाम हनुमान नगर कर दिया है। और अब इसी सिलसिले में अलीगढ़ और मैनपुरी का नाम भी बदल दिया गया है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है, तो वहीं योगी सरकार ने मैनपुरी का नाम भी बदल दिया है। दरअसल मैनपुरी के नाम को बदलकर मयन ऋषि के नाम पर रख दिया गया है। दरअसल मामला ये है कि मैनपुरी का नया नाम मयन नगर तय किया गया है, क्योंकि अब इस पर आखिरी फैसला शासन को लेना था। अलीगढ़ जिला पंचायत की पहली बैठक में नाम बदले जाने को लेकर मंथन किया गया। बैठक में ब्लॉक प्रमुख उमेश यादव केशरी सिंह की तरफ से हरिगढ़ नाम दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। दोनों ने कहा कि इससे पहले अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ ही था। आपसी सहमति ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। वहीं मैनपुरी के प्रस्ताव के नाम पर जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया ने मंजूर कर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मयन ऋषि की तपोभूमि होने की वजह से यहां का नाम मयनपुरी रखा गया था, लेकिन गलत भाषा के इस्तेमाल की वजह से इसका नाम मैनपुरी पड़ गया। अब एक बार फिर से इसे सुधारने की कवायद की गई और मैनपुरी का नाम मयन ऋषि के नाम पर रख दिया गया है। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी सीएम है, लिहाजा नाम बदलने में हिंदू संस्कृति का वो पूरा ख्याल रखते हैं। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से शुरू हुआ यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अगस्त 2018 में मुगल सराय स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बन गया। इसके बाद अक्टूबर 2018 में सरकार ने संगम नगरी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। इसके बाद प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ और शहर का नाम बदलने के बाद फरवरी 2020 में प्रयागराज के 4 रेलवे स्टेशन के नाम भी बदल दिए गए, जिसके बाद इलाहाबाद जंक्शन में अब प्रयागराज जंक्शन भी बन गया है। इसके अलावा इलाहाबाद सिटी स्टेशन, रामबाग और इलाहाबाद छावनी स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया। साथ ही प्रयागराज घाट का नाम बदलकर प्रयागराज संगम कर दिया गया। अब मामला यह है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही योगी सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर उसको अयोध्या जिला बना दिया। यानी जो अयोध्या शहर जिस फैजाबाद जिले के अंतर्गत आता था उसका स्वरूप ही बदल दिया गया। अब पूरे जिले को अयोध्या बना दिया गया। आगे जिन शहरों के नाम बदले जाने की मांग उठ रही है उनमें आगरा को आगरवन, आजमगढ़ को आर्यमगढ़, गाजीपुर को गाजीपुर और सुल्तानपुर को कुश भवनपुर करने की चर्चा है। इसके साथ ही गाजियाबाद का नाम भी बदले जाने की मांग की गई है। लेकिन सोचने वाली बात है कि नाम बदल देने से क्या लोगों की बुनियादी समस्याएं हल हो जाएंगी और क्या रोजगार के अवसर इससे बढ़ जाएंगे? अगर एक बात को हम इसका समर्थन करते हैं तो इसके पक्ष में भी कुछ आंकड़े आ जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 700 से ज्यादा जगहों के नाम मुगलों पर हैं और उनमें से सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा गांव और कस्बे हैं, जिनमें से 986 के नाम मुगलों पर हैं। ऐसे में जब सीएम योगी ने इन नामों को बदलने का न सिर्फ ठान लिया है बल्कि बहुत से नाम बदल भी दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी के समर्थकों का कहना है कि योगी सरकार ने इन शहरों के नाम नहीं बदले, बल्कि इन शहरों के नाम तो मुगलों ने बदल दिए थे। योगी जी ने तो इन नामों को दोबारा से सही किया है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिन मुगलों ने हम पर अत्याचार किए हैं वो हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? इसी कड़ी में जब विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा, तो उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि आपके माता पिता ने आपका नाम दुर्योधन या रावण क्यों नहीं रख दिया।
बहरहाल नाम बदलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस पर आपकी क्या सोच है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।